हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू अनदर वीलॉग। मैंने सोचा कि इस वीक जितना भी मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बनाया, कुछ वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद किया, कुछ वीडियोस में आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन्स भी थे, तो उन वीडियोस में क्या क्या कन्फ्यूजन थे आप लोगों को उस पर डिस्कस एक बार कर लेते हैं। सो इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर बोथ ऑफ अस, क्योंकि कुछ बातें ऐसी भी है जो मैं आप तक नहीं पहुँचा पाया और कुछ बात ऐसी भी थी जो आप लोग जानना चाहते थे बट वो आपके हिसाब से नहीं हुई, तो आपको लगा कि शायद ये गलत है। तो इस वीक जो वीडियोस मैंने डाला था उसमें मेनली जो SAA के बारे में जो मैंने वीडियो बनाया, दो वीडियो मैंने उस पर बनाया जो कि शायद यूट्यूब पे बहुत ही रेयर वीडियोस होंगे, क्योंकि अगर होंगे भी तो बहुत रेयर होंगे, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको नहीं मिलेगी, तो सिर्फ इसी चैनल पे वो दो वीडियोज़ अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो। GKGS को लेकर एक वीडियो मैंने बनाया, आप लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने, अच्छी बात है, जिन्होंने भी देखा उनको हेल्पफुल रहा होगा। एंड एक सेफ स्कोर लेके मैंने बनाया, वो भी बनाया, तो वो भी आप लोगों ने देखा जिसको समझ में आया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ कंट्रोवर्शियल वीडियो जो आपको थोड़ा सा नापसंद आया। वो वीडियो था जो मैंने बताया था कि SSCGL मेंस 2022 का रिजल्ट 3 फेजेस में आएगा। जो मैंने बताया वो था कि पहले ऑब्वियसली पोस्ट प्रेफरेंस के लिए इट विल कम, सो सेकेंड टाइम इट विल अगेन कम फॉर द DV 1.3 टाइम कैंडिडेट्स एंड आफ्टर दैट द फाइनल रिजल्ट विल कम आउट एंड ओवरऑल सिलेक्शन विल बी डन। ये बहुत कंट्रोवर्शियल रहा क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक बार पोस्ट प्रेफरेंस आएगी, फिर डिपार्टमेंट अलॉट होगा, उसके बाद फिर DV होगा, 1.3 टाइम्स कैंडिडेट्स कैसे हो सकते हैं। SSC उतने ही रिजल्ट्स निकालेगी, उतने ही कैंडिडेट्स को निकालेगी नाम जिनका कि एग्जैक्टली नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड आफ्टर दैट द डिपार्टमेंट विल डू द वेरिफिकेशन। ओके, आप लोगों का जो मानना था मेरे से डिफरेंट है, आई एम एब्सोल्युटली ओके विद दैट, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम एग्जाम ये हुआ है, नो वन नोज व्हाट्स गोना हैपन। वो पता चलेगा जब पहली बार हो जाएगी, उसके बाद ही हमें ये बात का अंदाजा लगेगा एंड आफ्टर दैट वी विल से अकॉर्डिंग टू दैट। बट अभी तो हम लोग थोड़ा लॉजिक पे बात करेंगे, और लॉजिक क्या कहता है कि आप जस्ट इमेजिन करो, अगर नंबर ऑफ अलॉटमेंट्स, मैं आप ही की बात मानता हूं, आपने जो कहा कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ सीट्स जितनी है उतनी ही पर डिपार्टमेंट रिजल्ट SSC निकालेगा। अब आप इमेजिन करो कि 38,000 स्टूडेंट्स पहले पोस्ट प्रेफरेंस आई, उसके बाद जिन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस दिया, फिर अकॉर्डिंग टू यू जो रिजल्ट फाइनल आ गया, वहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे जिनका भी जो भी डिपार्टमेंट अलॉट हुआ उनकी वहाँ पे चली गई डिपार्टमेंट का, उनका लेटर आ गया और वहाँ पे जाके फिर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे और उनकी फिर जॉब फाइनल हो जाएगी, लेकिन पहले ही फाइनल रिजल्ट SSC दे देगी। अब आप इमेजिन करो इन दिस सिचुएशन 38,000 पोस्ट है, 38,000 स्टूडेंट्स का नाम SSC निकालती है, उसके बाद अगर वहाँ पे जाके कैंडिडेट्स, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनके डॉक्यूमेंट्स में इश्यूज हैं, क्योंकि सिर्फ मेरे चैनल पे, ऑल्दो आई एम वेरी स्मॉल क्रिएटर और सिर्फ मेरे चैनल पे आई हैव सीन थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स जिन्होंने कहा है कि मेरे डॉक्यूमेंट में ये प्रॉब्लम है, क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है, मेरा डेट में ये प्रॉब्लम है, मेरा सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया है जब ये नोटिफिकेशन 2022 की आई थी, तो ये सारे प्रॉब्लम्स कई तो मैंने खुद ही देख लिए। अब आप इमेजिन करो कि इतने लोगों का रिजल्ट आना है, नियरली 3.5 लाख स्टूडेंट का, उसमें से 5-7 हज़ार भी अगर स्टूडेंट ऐसे निकल गए जिनका कि डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, या मैं कहता हूँ 5-7 हज़ार हटाओ, 1,000-2,000 ही निकल गए जिनका डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है और वो सिलेक्टेड है, ठीक है, तो 2,000 सीट बर्बाद हो गई। अब आप ये सोचो कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस पर क्वालिफाई करेंगे नीचे के पोस्ट के लिए, 2400-2800 ग्रेड पेज के लिए, वो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी 21 में भी है, उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी होगी, रिजल्ट आ चुका होगा, ज्वाइनिंग तो नहीं होगी, रिजल्ट आ चुका होगा, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और उनको अच्छा पोस्ट चाहिए था, इसलिए वो जॉब चाहते थे अलग पोस्ट पे, थोड़ी अच्छी पोस्ट पे, ऑलरेडी वो 2400-2800 पे कर रहे हैं। अब सिर्फ मार्क्स के बेसिस पर अगर उनकी सीट अलॉट हो गई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो जाएंगे नहीं, वो ज्वाइन करेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो 2400 पे है या 2800 पे है, तो फिर जो इतने सारे बल्क स्टूडेंट्स हैं, नियर अबाउट 6-7 हज़ार स्टूडेंट्स ऐसे ज़रूर से ज़रूर निकलेंगे।
अब आप सोचो कि इतना सीट, यानी कि 10,000 के अप्रोक्सीमेट सीट वेस्ट हो जाएगा। कैन यू इमेजिन दैट, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इतना खर्चा करके जॉब के लिए रिक्रूटमेंट ड्राइव कर रही है। बहुत लोग ने ये भी कहा कि हाँ SSC ऐसा ही करेगी क्योंकि सीट खाली रह जाएगा, फिर उसको एड ऑन कर देंगे। अगर वो एड ऑन भी करते हैं नेक्स्ट ईयर फिर वही होगा, क्योंकि SSC नेक्स्ट ईयर भी ऐसे ही कहा है कि डिपार्टमेंट ही वेरीफिकेशन करेगी, और उसके बाद फिर यही होगा, क्योंकि दिस प्रोसेस विल गो ऑन, क्योंकि SSC ने एक नया प्रोसेस निकालना है, तो दे विल स्टिक विद दैट। तो उनको एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए होगा जिससे कि सीट्स भरे ना कि सीट्स खाली हो जाए। तो हो सकता है कि वो कुछ ऐसा जरूर सोचेंगे। अब वो 1.3 times, अब किसी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप सोचो, कुछ एक बंदे ने कहा कि आपको पता है UPSC में एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अलॉट होते हैं, जितने सीट्स आते हैं उतने एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अलॉट होते हैं DOPT के द्वारा, और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और वो लोग ज्वाइन कर जाते हैं। वहां पे तो कोई ऐसा नहीं होता कि 1.2 times जाएंगे या 1.3 times जाएंगे। मेरे भाई आप पहले थोड़ा सा रिसर्च करो, जानो कि UPSC की जब इंटरव्यू होती है तो इंटरव्यू के पहले ही एक प्रोबेशनरी या हो जाता है, वहां पे प्रोबेशनरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। आपको ऑलरेडी बता दिया जाता है कि यस योर डॉक्यूमेंट इज राइट नाउ प्रोविजनली वेरीफाई हो चुकी है, आपको फाइनल वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग के बाद होगी, वो फाइनल वेरिफिकेशन होती है। सेम सिचुएशन आप देखोगे बैंक एग्जामिनेशन में भी, जब PO का इंटरव्यू होता है तो वहां पे भी यही सिचुएशन देखने को मिलता है कि इंटरव्यू के पहले ही एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है। तो SSC तो ऐसा प्रोसेस नहीं करती है, यहाँ पे तो कोई ऐसा इंटरव्यू है नहीं कि वो पहले ही चेक कर लेगी। तो ऐसा पॉसिबल है कि आपके नाम का एक जॉब लेटर निकल जाए विदाउट वेरीफाइंग योर डॉक्यूमेंट एटलीस्ट वंस फॉर प्रोबेशनरी पीरियड और फॉर प्रोविजनल टाइम्स? कुछ भी ऐसा अगर नहीं होता है तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कितनी अजीब एक सिचुएशन में फंस जाएगी अपने आप को। दे विल फाइंड इन सच ए ह्यूज डिलेमा कि व्हाट दे आर डूइंग। तो आप ये समझ सकते हो, आई थिंक कि पीपल को थोड़ा सा ऑफेंड हुआ वो बात, उनको लगा कि नहीं हाउ ही कैन से दैट कि ये 3 pages में रिजल्ट आएगा, ही नोज नथिंग एंड ऑल दैट। आई एम एब्सोल्युटली ओके विद दैट, आई रेस्पेक्ट योर ओपिनियन विथ बॉटम फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, आई रेस्पेक्ट दैट। बट आई लिटरली वॉन्ट टू से वन थिंग कि यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन वेरी क्लियरली इन अ वेरी सरीन वे। थोड़ा सा शांत दिमाग से सोचो कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में? आपको जवाब खुद मिलेगा। हो सकता है मैं बिल्कुल गलत होऊंगा, आई एम नॉट डिनाइंग अ सिंगल पॉइंट फ्रॉम दैट कि मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, आप भी गलत हो सकते हो, बट एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इतना ज़्यादा फॉल्टी प्रोसेस को नहीं चला सकती, ये वो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। और ऐसा अगर चलाती है तो बीइंग अ एस्पिरेंट, बीइंग अ क्रिएटर, हम लोग आवाज़ उठानी चाहिए कि यार ये कैसा प्रोसेस आप लेके आए हो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपके 10,000-8,000 सीट खाली रह जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो मैं अभी से बता रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है तो मैं उठाऊंगा आवाज इसके ऊपर में, क्योंकि डिजर्विंग लोगों का सीट चला जाएगा फिर। तो ये चीज थोड़ा सा समझना इम्पोर्टेंट है। सो ये कंफ्यूजन चल रहा था काफी टाइम से लोगों के बीच में, मैंने सोचा कि क्यों ना एक जनरल कन्वर्सेशन किया जाए, नो कट्स नथिंग, जस्ट व्हाट आई से सिटिंग ब्लॉग किया जाए इन जनरल, सो द थिंग शुड कम आउट इन अ प्रॉपर असेंडिंग डिसेंडिंग वे, वॉट एवर इट कैन बी अकॉर्डिंग टू यू वॉट यू थिंक। तो ये एक सिचुएशन था जिसके ऊपर कन्फ्यूजन हो रही थी। एंड नेक्स्ट वन थिंग आई वॉन्ट टू से कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन लोगों के मन में रहता है अबाउट जॉब लोकेशन एंड ग्रेड पेज जॉब पोस्ट। आपको अच्छा जॉब लोकेशन चाहिए, होम टाउन चाहिए, या फिर एक ऐसा पोस्ट चाहिए जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हो। इसके ऊपर एक मैं आपको ट्रू स्टोरी सुनाऊंगा, बहुत जल्द वो वीडियो आने वाली है अबाउट कि जॉब लोकेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फिर जॉब का पोस्ट, बाय अ कस्टम्स ऑफिसर। ये स्टोरी कस्टम्स ऑफिसर की है, उन्होंने खुद मुझे बताया है। सो मैं एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा कि उन्होंने क्या बताया और वो क्या हो सकता है चीज़ें। So that's all from this video. I think I cleared all the doubts whatever we had in this entire week. In the next week also I will try to solve the problems of videos that will be coming out, and if you face any issue
यू जस्ट यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आपको मिल जाएगा वहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लो और वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट DM कर लो, क्या प्रॉब्लम है, कोई इशू है, आई विल ट्राई टू टॉक टू यू इन दैट प्लेटफॉर्म। चलो तब तक के लिए बाय बाय।